हाँ जी, तो आज की इस वीडियो में जो आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ वो कुछ अलग टॉपिक होने वाला है। मीन्स कि वेडिंग सीजन तो चल ही रहा है, हाँ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से डिले है, बट हाँ जो भी ब्राइड टू बी हैं या फिर आप ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हो उन सबके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हाँ जी, अगर आप भी ग्लोइंग स्किन अचीव करना चाहते हो, मतलब सारा कुछ ट्राई करके देख चुके हो लेकिन ग्लोइंग स्किन नहीं हो पाती है या फिर नहीं अचीव कर पाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को देखना है आपको एंड तक। सो हेलो एवरीवन, दिस इज स्टाइल विद साइबा। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे अपने घर में। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और मैं आज किस वीडियो में आपके साथ में जो शेयर करने वाली हूँ ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपको पता ही कि आपको क्या करना है। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि मैं आपके साथ में कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। हाँ जी, अगर मैं वेडिंग की बात करूँ तो वेडिंग में हम सबको ही सुंदर दिखना होता है, लेकिन अगर आप ब्राइड टू भी हैं और आप ही स्पेशल वन है तो फिर आपको तो बहुत ज्यादा सुंदर दिखना होता है। उसके लिए हमारी स्किन प्रिपेयर होनी चाहिए। हम मेकअप से ही ओनली सुंदर नहीं दिख सकते हैं। सबसे पहले हमारी स्किन अगर अंदर से प्रिपेयर होती है तो हम खुद भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हमारी स्किन अंदर से ग्लोइंग कर रही होती है, ऑलरेडी हमें कॉन्फिडेंट फील होता है। अगर आप ब्राइड टू भी हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होता है। तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन को 100% प्रिपेयर करना होता है, उसी के बाद आप 100% कॉन्फिडेंट फील कर पाते हैं। और अपने स्पेशल डे वाले दिन सबकी निगाहें आपके ऊपर होती है, तो आपको जरूर से अपनी स्किन को प्रिपेयर करना चाहिए। और प्रिपेयर ऐसा नहीं कि आपकी एक ही दिन में हो जाएगी, उसके लिए आपको कम से कम 2 महीने पहले से प्रिपेरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। उससे खुद ही आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएंगे अपनी स्किन में। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होने वाली है जिसको आपको फॉलो करना है अगर आप ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हो, अगर आप ब्राइड टू भी हैं या फिर आपकी शादी होने वाली है कुछ टाइम बाद, तो 1 या 2 मंथ पहले आपको प्रिपेयर करना है अपनी स्किन को। तो फर्स्ट यहाँ पे है अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेट कैसे रख सकते हो? तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी का इंटेक करना है, साथ में कुछ ऐसी चीजों का इंटेक करना है लाइक वाटरमेलन हो गया। समर के टाइम पे तो बहुत ज्यादा सेल आउट होता है, तो आप ये चीजों का इंटेक ज्यादा करें जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, ताकि आपकी स्किन जो है हाइड्रेट रहे। और हाइड्रेट आपकी स्किन रहती है तो नेचुरली आपकी स्किन अंदर से ग्लो करती है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट यहाँ पे टिप होने वाली है वो है प्रेप योर स्किन। मींस कि आपको सीटीएम रूटीन जरूर से फॉलो करना है 1 या 2 मंथ पहले। तो आपको कभी भी सीटीएम रूटीन स्किप नहीं करना है, बल्कि उसको रेगुलर कर देना है। अगर आप सीटीएम रूटीन फॉलो करते हो तो आपकी स्किन नेचुरली ही ग्लो करने लग जाती है, आपको किसी और ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो अगर आप ब्राइड टू भी हैं तो आपको सीटीएम रूटीन जरूर से फॉलो करना है। ऑलराइट, यहाँ पे जो थर्ड टिप होने वाली है वो है फेशियल। मींस कि आपको फेशियल भी जरूर कराना चाहिए, मंथ में एक बार तो आप करा ही सकते हो, क्योंकि इतनी ज्यादा टेंशन होती है और टेंशन की वजह से ना हमारे फेस पे ब्रेकआउट्स निकल आते हैं, यानी कि गर्ल्स के ज्यादातर ब्रेकआउट्स होने की प्रॉब्लम रहती है या फिर ड्राइनेस हो जाती है फेस के ऊपर। तो आप डीप क्लींजिंग वाले फेशियल जो होते हैं वो ट्राई कर सकते हो, लेकिन मंथ में एक बार। और हाँ, ध्यान रहे कोई भी आप न्यू प्रोडक्ट यूज ना करें फेस के ऊपर। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे टिप होने वाली है वो सप्लीमेंट। आप सप्लीमेंट का इंटेक कर सकते हो, मींस कि आप मल्टी विटामिन्स ले सकते हो जो भी आप लेते हो, ताकि आपके जो भी बॉडी में जिस भी चीज की कमी हो वो पूरी हो सके। साथ में आप कोई भी ओमेगा 3 जिसमें हो फैटी एसिड वगैरह होते हैं, फिश ऑयल वाली टैबलेट भी आती है वो आप यूज कर सकते हो। वो आपकी बॉडी के लिए काफी अच्छी होती है, आपके फेस के लिए अच्छी होती है, आपकी स्किन के लिए अच्छी होती है। बहुत सारे प्रोटीन ऐसे आते हैं जो कि उनका आप इंटेक कर सकते हो, जो कि आपके लिए ग्लोइंग स्किन पाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और आपके स्पेशल डे वाले दिन आपको वो रिजल्ट जरूर मिलेगा। ऑलराइट, यहाँ पे जो नेक्स्ट टिप होने वाली है वो है स्लीप। स्लीप यहाँ पे गाइस बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अगर आप अच्छे से प्रॉपर नींद नहीं लेते हो तो आपकी स्किन अच्छे से प्रेप नहीं हो पाती है, या फिर उसको खुद ही रिलैक्स नहीं मिल पाता, तो ग्लोइंग तो आप भूल ही जाओ, बहुत दूर दूर तक आप स्किन ग्लो नहीं करेगी। तो आपको ध्यान रखना है, कितनी भी टेंशन हो, कितना भी कुछ हो, हाँ समझ सकती हूँ ठीक है बहुत सारी टेंशन होती है, बट उन सबको अलग रख के ना आपको सिर्फ क्या करना है, आपकी नींद के ऊपर पूरा ध्यान देना है। कम से कम 8 आवर्स की स्लीप तो लेनी है, अपने लिए लेनी है, अपनी बॉडी के लिए लेनी है, साथ में स्किन के लिए लेनी है, ताकि आपका जो स्किन है, आपकी जो स्किन है वो नेचुरली ग्लो कर सके। तो आपको स्लीप में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, स्लीप आपको लेनी है 8 आवर्स की। और राइट, नेक्स्ट जो यहाँ पे टिप होने वाली है वो है मॉइस्चराइज। मॉइस्चराइज आपको जरूर करना है, और आपको सनस्क्रीन भी डेली ही लगानी है। अगर आपके सिर्फ 1 या 2 मंथ रह गए हैं तो आपको जरूर से मॉइस्चराइज करना है अपने फेस को। जब भी आप बाहर निकलो पूरी बॉडी पे आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, और आप बाहर निकलने से पहले आपको सनस्क्रीन भी अप्लाई करनी है, कभी भी सनस्क्रीन नहीं स्किप करनी है, ताकि आपका जो भी फेस के ऊपर कोई भी सन से जो भी डैमेज होता है वो ना हो सके, और आपकी स्किन जो है नेचुरली ग्लो कर सके और अच्छी रहे। गाइज, अगर आपके फेस के ऊपर एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो आप होममेड फेस पैक ट्राई कर सकते हो। आप होममेड फेस पैक ट्राई करोगे, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और रिजल्ट भी आपको काफी अच्छे मिलेंगे। तो जो आप होममेड फेस पैक ट्राई कर सकते हो, वो आप सैंडलवुड यानी कि जो चंदन पाउडर होता है उसमें आप रोज वाटर ऐड करके सिंपल से अपने फेस के ऊपर लगा सकते हो। 30 मिनट बाद आप उसको वॉश कर सकते हो, काफी अच्छा रिजल्ट देगा, साथ में आपको ग्लोइंग स्किन पाने में भी हेल्प करेगा। ये वाला जो होममेड फेस पैक है आपको कम से कम वीक में एक बार तो ट्राई करना ही है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट यहाँ पे मैं टिप आपके साथ में शेयर करूँ कि आप ग्लोइंग स्किन पाने के लिए, यानी कि आप वेडिंग सीजन में ग्लोइंग स्किन आप वैसे भी फॉलो कर सकते हो ये वाला रूटीन, बट हाँ अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आप कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनका इंटेक कर सकते हो, वो काफी हेल्प करते हैं आपका ग्लोइंग स्किन अचीव करने में।
तो यहाँ पे जो फर्स्ट होता है बीट रूट, बीट रूट काफी अच्छा होता है। साथ में नेक्स्ट है ब्राउन राइस, ब्राउन राइस का आप ज्यादा से ज्यादा इनटेक करें। साथ में थर्ड है कि आप पल्सेस का ज्यादा इनटेक करें। साथ में फोर्थ है आप डार्क चॉकलेट का इनटेक कर सकते हो, वो आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। ये सारे क्यों आपको यूज करने, वो आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब का रीजन जो है वो आपको मैं बता दूंगी, एक बार जरूर आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना। राइट गाइज, ये सारे जो मैंने फूड्स बताए उनका आप जरूर से इनटेक करें, आपको जरूर से विजिबल डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छे होते हैं। और हाँ, आपको पानी का तो जरूर से इनटेक करना है, क्योंकि अगर आप अंदर से ही हेल्दी फील नहीं करोगे, आपकी स्किन अंदर से ही नेचुरली ग्लो नहीं करेगी, तो बाहर से आप कितना भी आप अपने स्किन केयर फॉलो करते रहो, फिर कुछ भी करते रहो, वो सारा वर्क नहीं करता है। तो आपको पानी का इनटेक ज्यादा से ज्यादा करना है। गाइस, तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और हाँ, जो मैंने टिप्स बताए इनको फॉलो जरूर करना, तभी आपकी स्किन जो है नेचुरली ग्लो कर पाएगी, अंदर से ही ग्लो कर पाएगी। और हाँ, बिफोर वेडिंग तो जरूर ग्लो करेगी, और अगर स्किन ग्लो करेगी तो आप भी 100% कॉन्फिडेंट लगेंगी। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना स्टाइल विद साइबा, पास ही में एक बेल आइकन होगा उसको तो हिट जरूर कर देना, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।